पर बाढ़ पीड़ितों ने जाम लगा दिया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया। उपद्रवी लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। विरोध में जमकर पथराव और बवाल हुआ। ये देखिए तस्वीर है, जल उठी कानपुर की सड़क है। हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। पुलिस की बाइक में उपद्रवियों ने आग लगा दी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं। इलाके में हड़कंप मचा है। पर्रा तारा क्षेत्र के गुजैनी हाईवे का मामला है। पुलिस ने उपद्रवी लोगों पर लाठीचार्ज किया है। हाईवे पर लाठीचार्ज के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बाढ़ पीड़ितों ने जाम लगा दिया और उसके बाद जब पुलिस पहुंची थी वहां पर जाम को खुलवाने, उसके बाद आक्रोशित हो गए लोग। पुलिस की बाइक में उपद्रवियों ने आग लगा दी। ये देखिए तस्वीर है, जाम के बाद उपद्रव की ये तस्वीर है। पुलिस पहुंची थी, लाठीचार्ज किया उन पर, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया है। विरोध में जमकर पथराव और बवाल हुआ है। कानपुर में बवाल और आगजनी, पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस की बाइक में उपद्रवियों ने आग लगा दी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, क्या शांति स्थापित कर दी गई है? जी देखिए, अगर ताजा स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति है वो शांतिपूर्ण हो गई है, क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस बल ने यहाँ पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। जो बलवाई थे, दंगाई थे, जो वो सब यहाँ से भाग गए हैं। पुलिस कॉम्बिंग कर रही है, गलियों में जाकर उनकी तलाश कर रही है और जो अराजक तत्व उनको पकड़ने का काम कर रही है। जी, और प्रभात ये जानना चाहेंगे क्या इस दौरान किसी को हिरासत में लिया गया अब तक? जी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो लोग उपद्रव कर रहे थे, जो लोग बवाल कर रहे थे, क्योंकि आगजनी भी हुई। नेशनल हाईवे 2 की पूरी घटना है, इसको जाम किया था, जिसके चलते 3 बाइकों में आग के हवाले कर दिया, दूर करके चले लगे। जिसका जब पुलिस प्रशासन पहुंचा तो फायर ब्रिगेड की मदद से गाड़ियों को आग को बुझाया गया है और उसके बाद तब पुलिस टीम ने सब बलवाई जो है वो मौके पर भागे हैं। अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रभात अवस्थी। और खबर चंदौली से, जहां कुएं में गिरे हैं मां बाप बेटे, गांव में हड़कंप मच गया।